بسم الله الرحمن الرحيم. मसला नंबर 2201 कहते हैं कि अगर इंसान किसी के साथ इस किस्म का मुआहिदा करे, मसलन फलदार दरख्तों को जिनका फल खुद उसका माल हो या उस फल पर उसका इख्तियार हो, एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए किसी दूसरे शख्स के सुपुर्द कर दे ताकि वो उनकी निगहदाश्त करे और उन्हें पानी दे, और जितनी मकदार वो आपस में तय करें उसके मुताबिक वो उन दरख्तों का फल ले ले, तो ऐसा मामला मुसाकात यानी आबियारी कहलाता है। कहेंगे मसलन कोई इंसान है, उसके दरख्त हैं, उसके फल हैं दरख्तों में, वो चाहे उसकी मिल्कियत हो या मिल्कियत ना हो, अलबत्ता उसके इख्तियार में हो। इख्तियार में किस तरह हो, बहुत सारी सूरतें हो सकती है कि उसके इख्तियार में हो। अच्छा, करेंगे उसकी मिल्कियत हो या उसके इख्तियार में हो, और एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए किसी शख्स के सुपुर्द कर दे कि तुम इनकी निगहदाश्त करो और इन्हें पानी दो ताकि ये फल पकें और उसके बाद फल बड़े हों, पकें और उसके बाद हम फायदा हासिल करें। तो कह रहे कि वो पानी दे और उसके बाद जो जब वो उनकी पैदावार हो, जब वो फल आए, तो आपस में उनका उनकी मकदार जो है तय करें कि मसलन इतने फल तुम्हारे हैं, पानी मैं देता हूं और इतने जो है वो तुम ले लेना, इतने मैं ले लूंगा। तो करेंगे उस सूरत में यह मामला सही है और इसे मुसाकात कहते हैं, यानी आबियारी यानी पानी देना। उसकी मिल्कियत नहीं है, सिर्फ वो पानी दे रहा है। अब जो उसने पानी दिया है उसके ऊपर उन्होंने मुआहदा किया था कि मसलन इतने फल आए तो उसका इतना हिस्सा तुम्हारा होगा, इतना हिस्सा मेरा होगा। अच्छा, इसे मुसाकात कहते हैं। मसला नंबर 2202, जो दरख्त फल नहीं देते अगर उनकी कोई दूसरी पैदावार हो, मसलन पत्ते और फूल हो कि जो कुछ ना कुछ काबिले तवज्जो मालियत रखते हो, मसलन
ये खुद मिसाल दे रहे हैं, मसलन मेहंदी और पान के दरख्त के दरख्त के उनके पत्ते काम आते हैं। मसलन मेहंदी है और पान का दरख्त है, उनमें कोई फल तो नहीं लगता, बीज लगते हैं अलबत्ता लेकिन फल नहीं लगता, खाने वाने के लिए कोई फल नहीं लगता, लेकिन उनका काम ज्यादातर जो है वो पत्तों में होता है। तो कह रहे कि अगर इस तरह के कोई दरख्त हो कि जिनमें फल तो नहीं लगते लेकिन उनके पत्ते और फूल जो हैं उनसे मालियत हासिल होती है, उनसे फायदा हासिल होता है, जैसे कि मेहंदी है और पान है, पान के पत्ते इस्तेमाल होते हैं, पान के पत्ते बिकते हैं और मेहंदी के भी पत्ते बिकते हैं। तो कह रहे हैं सूरत में इस किस्म के, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्ते बिकते हों, या मसलन ऐसे बहुत सारे दरख्त हैं कि जिनके पत्ते तो नहीं बिकते लेकिन उनकी लकड़ियां बिकती हैं, मसलन उनकी लकड़ियां काटकर उनकी हिफाजत की जाती है, उनको बड़ा किया जाता है, फिर उनकी लकड़ियां काटकर उससे बहुत सारे फायदे हासिल किए जाते हैं। कहेंगे अगर इस तरह हो फूल फलों के अलावा भी अगर उनसे कोई मालियत हासिल होती हो तो उनके लिए मुसाकात का मामला सही है। करेंगे जो हमने पहले मसाले में बताया कि मुसाकात में ये होता है कि फल तुम्हारे, फल जो आएंगे उसमें से कुछ तुम्हारे कुछ मेरे, फल मेरे हैं पानी तुम दो, कह रहे हैं कि इसमें भी इस तरह से मुसाकात का मामला दुरुस्त है। यानी मेहंदी के दरख्त को अगर किसी से कहें कि इसको पानी दो, अब जो इसके पत्तों से जो फायदा होगा वो इतना तुम्हारा इतना मेरा, तो इस तरह से ये मुसाकात दुरुस्त है। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2203, मुसाकात के मामले में सीगा पढ़ना लाजिम नहीं। ये तकरीबन हम मामलात में जितने मसाइल पढ़ के आए हैं उसमें यही कहा है कि सीगा पढ़ना लाजिम नहीं है, खुसूसन अरबी में सीगा पढ़ना किसी में भी लाजिम नहीं है, बल्कि अगर दरख्त का मालिक मुसाकात की नीयत से उसे किसी के सुपर्द करे करे कर दे और जिस शख्स को काम करना हो वो भी उसी नीयत से काम में मशगूल हो जाए तो मामला सही है। करेंगे मसलन मुसाकात पर देने वाले ने मुसाकात की नीयत से दिया, मुसाकात पर लेने वाले ने मुसाकात की नीयत से लिया, भले उन्होंने आपस में कोई बात ना की हो तब भी उनका मामला दुरुस्त है और सीगा वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2204, दरख्तों का मालिक और जो शख्स दरख्तों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी ले, जरूरी है कि दोनों बालिग और आकिल हों, यानी जो मालिक दे रहा है मुसाकात के तौर पर और जो शख्स ले रहा है मुसाकात के तौर पर, उनकी शराइत कि उनमें क्या क्या शराइत होनी चाहिए, तकरीबन वही चार शर्तें जो कि यहां तक पहले जितने भी मामला पड़े हैं उनमें भी तकरीबन वही चार शर्तें चलती आ रही हैं, वही चार शर्तें यहां पर भी हैं कि दोनों बालिग और आकिल हों, लेने वाला देने वाला बालिग भी हो और आकिल भी हो, और किसी ने उन्हें मामला करने पर मजबूर ना किया हो, मामला करने में किसी ने उन्हें मजबूर
ना किया हो कि तुम जबरदस्ती मसलन मामला करो, ऐसा ना हो। नीज ये भी जरूरी है कि सफीह ना हो, दोनों लेने वाला और देने वाला सफी ना हो, यानी अपने माल को बेहुदा कामों में इस्तेमाल ना करें। और इसी तरह जरूरी है कि मालिक दिवालिया ना हो, दिवालिया भी मालिक ना हो। तो उस सूरत में ये चार शर्तें अगर हों तो मामलाए मुसाकात किया जा सकता है। एक बालिक, दूसरी आकिल, तीसरा मजबूर ना हो, चौथा सफी ना हो। दिवालिया इसके जुमरे में आ जाता है, सफी के, यानी जो अपने माल में तसरुफ का इख्तियार नहीं रखता। लेकिन अगर बालिगा बागबान दिवालिया हो और मुसाकात का मामला करने की सूरत में उन अमवाल में तसरुफ करना लाजिम ना आए जिन में तसरुफ करने से उसे रोका गया हो, तो कोई इश्काल नहीं है। करेंगे मतलब बागबान जो है, बाग का मालिक जो है, वो दिवालिया है, लेकिन उसका बाग के जरिए से मामला करना, उन चीजों में तसरुफ करना लाजिम नहीं आता जिनसे दिवालिया होने की वजह से उसे रोका गया है, तो उस सूरत में इस मामले करने में कोई इश्काल नहीं है, मुसाकात का मामला किया जा सकता है, क्योंकि उसका तसरुफ उन चीजों में नहीं हो रहा जिससे उसे मना किया गया है। तो ये चार शर्तें अगर हो तो मामला मुसाकात दुरुस्त है। अगर इन चार शर्तों में से कोई भी फाकित होगी तो उस सूरत में मामला मुसाकात दुरुस्त नहीं होगा। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2205। कहते हैं कि मुसाकात की मुद्दत मुअय्यन होनी चाहिए और इतनी मुद्दत होना जरूरी है कि जिसमें पैदावार का दस्तियाब होना मुमकिन हो, और अगर फरीकैन उस मुद्दत की इब्तदा मुअय्यन कर दें और उसका इख्तिताम उस वक्त को करार दें जब उसकी पैदावार दस्तियाब हो, तो मामला सही है। कहते हैं कि जब मुसाकात का मामला किया जाए तो उसकी मुद्दत मुअय्यन होनी चाहिए कि मसलन यहां से यहां तक ये दरख्त मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, जब इतनी मुद्दत गुजर जाएगी और तुम इसे पानी देते रहोगे, उसकी निगहदाश्त करते रहोगे, फिर जो भी फायदा होगा उससे हम मसलन इतना तेरा इतना मेरा, तो ये मुद्दत का मुअय्यन होना जरूरी है। लेकिन कहते हैं कि मुद्दत इतनी मुअय्यन होनी चाहिए कि जिसमें पैदावार का दस्तियाब होना मुमकिन हो। मसलन पैदावार दस्तियाब होगी 5 महीने के बाद, उन्होंने 2 महीने 3 महीने मुद्दत रख दी, तो ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इस वजह से कि जब पैदावार हासिल नहीं हो रही तो मामला कैसे होगा, फायदा फरीकैन को कैसे पहुंचेगा। तो इस वजह से मुद्दत इतनी होनी चाहिए कि जिसमें पैदावार दस्तियाब हो जाए। अच्छा, अब कहते हैं कि इसके लिए आसान सूरत हाल यह है कि एक होती है मुद्दत की इब्तदा कि मुद्दत यहां से शुरू हो रही है, दूसरा होता है मुद्दत का इख्तिताम कि यहां तक ये मुद्दत खत्म होगी। अब कहते हैं कि आसान तरीका यह है कि इब्तदा को मुअय्यन कर दें और जो इख्तिताम है उसको
पैदावार के दस्तियाब होने पे छोड़ दें तो ये मामला सही होगा और बेहतर होगा। जैसे कि मसलन अगर कहें कि जनवरी महीने से हमारे मामले मुसाकात की इब्तदा है, लेकिन इख्तिताम जो है जैसे ही पैदावार हासिल हो जाएगी हमारा मामला खत्म हो जाएगा। अब वो पैदावार 5 महीने के बाद हासिल हो, 6 महीने के बाद हासिल हो, 7 महीने के बाद हासिल हो, जब भी हासिल हो तब तक वो मामला जारी रहेगा। जैसे ही पैदावार हासिल हो गई मामला खत्म हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा तो पैदावार भी हासिल हो गई। तो ये आसान तरीका है, अगर इख्तिताम को मुअय्यन कर दिया जाए, अब पैदावार में देर हो जाए तो उस सूरत में मसअला हो सकता है, इस वजह से इख्तिताम को मुअय्यन ना करना बेहतर है और इब्तदा को मुअय्यन कर देना चाहिए। इख्तिताम को मुअय्यन सिर्फ इस तरह करें कि जैसे ही पैदावार हासिल होगी मामला खत्म हो जाएगा। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।